बनने दे मेरे वाले को। डॉली चायवाल्याची हटके स्टाईल आता जगप्रसिद्ध झाली आहे। त्याच्या स्टाईलचे अब्जाधीश बिल गेट्स देखील फॅन झाले। त्यांनी त्याच्यासोबतचा एक व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर शेअर केला आणि बोलता बोलता नागपूरचा डॉली चायवाला आता जगप्रसिद्ध झाला। बरं, आपल्यासोबत काय घडतंय याची डॉलीला पुसटशीही कल्पना नव्हती, पण त्यानंतर जे झालं ते पाहून मात्र तो अवाक झाला एवढं नक्की। एवढ्या प्रसिद्धीनंतर डॉलीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चहा पाजण्याची इच्छा बोलून दाखवली। तसं तर डॉली चायवाला हा मागील काही दिवसांपासून सोशल माध्यमांवर प्रसिद्ध आहे। आपल्या हटके स्टाईलमुळे त्याचे मोठे फॅन फॉलोइंग आहे। गेट्स यांना सोशल माध्यमातून त्याच्याबाबत कळाले। त्यांनी एका हिल स्टेशनवर त्याला आमंत्रित केले। डॉलीने तेथेच एका हात ठेल्यावर स्टोव मांडून गेट्स यांच्यासमोर चहा तयार केला। गेट्स त्याची प्रत्येक लकब आणि चहा बनवण्याची स्टाईल कौतुकाने पाहत होते। व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच गेट्स वन चाय प्लीज असे म्हणताना दिसले। दरम्यान त्यांनी त्याच्या कौशल्याचं कौतुक देखील केलं। बिल गेट्स यांच्या भेटीबाबत बोलताना डॉलीने सांगितले की मला अजिबातच माहीत नव्हतं की ते कोण आहेत। मला असं वाटलं की ते एक परदेशी व्यक्ती आहेत आणि एका परदेशी व्यक्तीला मी चहा देत आहे। मात्र मी जेव्हा नागपूरला परतलो तेव्हा मला समजले की आपण कोणाला चहा पाजला। त्यांनी खूपच छान प्रतिक्रिया दिली। त्यांचे आणि माझे काही विशेष बोलणे झाले नाही। मी फक्त चहा बनवण्याचे आणि त्यांना देण्याचे काम केले। बिल गेट्स किस तरह का अनुभव था, क्या हुआ था, किस तरह से आपको सरप्राइज मिला, पूरा बताइए। सामने देखिए, मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए। मेरा एक वीडियो था वहाँ पे, जो मेरे को बुलाए थे वहाँ पे। मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, जबलपुर का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा गया, बड़ा मजा आया वहाँ पे। हैदराबाद का मेरे को बहुत मजा आया हैदराबाद में। कब हुआ था ये शूट? 3 दिन पहले। अच्छा, और उस समय क्या बता के आप नागपुर से गए थे? मैं वहाँ पे, मेरे को बुलाए थे, उनकी टीम थी एक, टीम ने मेरे को बुलाए थे और मेरे को बोले डॉली आपका कुछ वहाँ पे जो चाय का है वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा बोले। तो ठीक है बोला, मैं आता बोला। तो फिर मेरे को उनकी टीम की तरफ से जाना पड़ा और फिर मैं हैदराबाद गया। फिर वहाँ पे एक होटल में मेरे को रुका है, फिर सर्विस अच्छी थी, यानी अच्छा लगा मेरे को होटल में। फिर मेरा वहाँ पे पहले दिन आधा शूट हुआ और अगले दिन आधा शूट हुआ, यानी सेकंड टाइम गया था तब पूरा एग्जैक्टली वो शूट पूरा हो गया कम्प्लीट। आपकी जो स्टाइल है ये आपको कब पता चला कि बिल गेट्स ने वो जो वीडियो है जो बना था वो इंस्टाग्राम पे? मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि जो फॉरेन कंट्री के जो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, 8 लोग थे फॉरेन कंट्री के, तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि उसमें से जो आप लोग। अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा कि जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी हस्ती है बोले, ये अगले दिन मेरे को पता चला। भाई आप भी ऐसा लग रहा है उद्योग करते हैं और विश्व के इतने बड़े उद्योगपति ने आपकी प्रशंसा की, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोला था? अब कैसे लग रहा है कि इतने बड़े उद्योगपति से आप मिलने के बाद जो आप तो फेमस थे, अब तो वर्ल्ड फेमस हो गए? बिल्कुल, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं नागपुर से डॉली चाय वाला बनाऊँ। क्या बात हुई थी? मैं कुछ बातें, मेरी कुछ भी बातें नहीं है। जो टीम थी, मेरे को टीम ने जो बोले कि बस डॉली आपका काम ये है, बस मेरे को अपना काम करने का है और मेरे को अपना 100 देना था काम पे, तो मैंने बस वही काम किया। तब मेरे सामने खड़े थे, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा फॉरेन कंट्री का बंदा खड़ा है, तो मैंने उनको चाय पिलाया बस। आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। आपके स्टाइल के बारे में बताइए, कब से आप ये कर रहे हैं? शुरू में आपके दिन कैसे थे? हाँ जी हाँ, शुरू में मेरे दिन बहुत बेकार थे। मैं यहाँ पे अपना साइकिल से आता था और ये हमारे जो बड़े भैया हैं, सबसे पहले तो शैलेश भैया ने शॉप चालू किए और फिर धीरे धीरे 2007 से मेरी एंट्री हुई यहाँ पे। फिर धीरे धीरे मैं अपना कप्तान जैक स्पैरो, जॉनी टेप, उनको भी फॉलो किया मैंने और उसके बाद में मैंने अपना साउथ की मूवियाँ बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं। साउथ में रजनीकांत जी जो भगवान मानते हैं उनको, और मैं भी भगवान ही मानता हूँ उनको, तो जो उनका दुपट्टे का स्टाइल, मेरा गिलास उठाने का स्टाइल, मैं थोड़ा थोड़ा कॉपी करता सबको। तो क्या भविष्य में रजनीकांत को चाय पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे। अभी तो एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि अभी देखो इतने आप लोगों ने मेरे को अगले दिन पता चला कि जो मैंने चाय पिलाया ये बहुत बड़े आदमी हैं। अब मैं एक ही ख्वाहिश है मेरी वाली कि और एक बंदे को मैं चाय पिलाना चाहता हूँ, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ उनको चाय पिलाना चाहता हूँ बस। रजनीकांत को नहीं पिलाएंगे? उनको भी पिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे। थैंक यू।